हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की वीडियो मेरा बनाने का कोई खास मन था तो नहीं, क्योंकि आप लोग खुद ही देख लो कितना अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है वीडियोस पे। कोई वीडियो देखना ही नहीं चाहता, मुझे नहीं समझ आता मैं क्या बनाऊँ। ना तो आप लोग कॉमेंट्स में बताते हो, ना ही कुछ करते हो। मैं परेशान हो चुकी हूँ सच में, मुझे नहीं समझ आता कुछ भी, पर फिर भी मैं वीडियो लेके आ चुकी हूँ। आज मैं इस शीशे पे कुछ कलाकारी करने वाली हूँ। मतलब शीशा तो मैं ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ, इसका जो फ्रेम बच गया था आज मैं उसके ऊपर कुछ करने वाली हूँ। तो उसके लिए यूज करने वाली हूँ मैं सुपर क्ले, जो कि मेरी इस पन्नी के अंदर है बहुत सारी क्ले। तो यार वैसे तो मुझे पता नहीं है बनने कैसे वाला है, पर मैं क्या सोच रही हूँ ना, जो इसका ये आगे का फ्रेम है मैं यहाँ पे पेंट करूँ और सुपर क्ले से बहुत सारी चीजें बनाऊँ। लाइक मैं खाने की चीजें बनाऊँ, पिज्जा बनाऊँ, आइसक्रीम बनाऊँ, टेडी बनाऊँ, रेनबो बनाऊँ, बहुत सारी चीजें, मतलब जो भी बना सकते हैं इजी, वो सब बना के एक करके फ्रेम के चारों तरफ चिपका दूँ, अंदर की तरफ एक पेंटिंग बना के लगा दूँ। अब यार ये अच्छा लगेगा या फिर बुरा लगेगा वो मुझे नहीं पता, वो लास्ट में पता चलेगा बनने के बाद। तो चलो देखते हैं। तो गाइस पहले तो मैं इसको खोल लेती हूँ फ्रेम को, जिसमें मुझे पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। तो ये जो इसका फ्रेम का फ्रंट वाला हिस्सा है, इसके ऊपर मैं जस्सो अप्लाई कर दूंगी सबसे पहले। तो ये जस्सो है, ये मैं अप्लाई कर दूंगी इस फ्रेम के ऊपर। तो जस्सो अप्लाई करने के बाद मैं एक कोट एक्रेलिक कलर का भी अप्लाई कर रही हूँ। मैं माउंट मार्टी कलर यूज कर रही हूँ, आप लोग कोई और सा भी कर सकते हैं, फेविक्राइल का भी कर सकते हैं। गाइस मैं स्पॉन्ज से कलर अप्लाई कर रही हूँ। एंड गाइस अब फाइनली हम सुपर क्ले को यूज करके बहुत सारी क्यूट क्यूट सी चीजें बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अपना फेवरेट पिज्जा बनाने वाली हूँ। पिज्जा बनाने के लिए यार सबसे पहले मैं ले रही हूँ रेड कलर की क्ले। यार ये सुपर क्ले से चीज़ें बनाने में इतना ज़्यादा मज़ा आता है, इतनी सॉफ्ट होती है ये, बहुत ही मज़ा आता है इसके साथ मुझे तो। अब हम येलो कलर की क्ले ले रहे हैं एंड इसको रेड के ऊपर चिपका लेंगे कुछ ऐसे करके। और अब हम अपने पिज़्ज़ा के ऊपर बहुत सारी वेजीज भी लगा देंगे, टोमेटो लगा देंगे, कैप्सिकम लगा देंगे। गाइस पिज्जा हमारा एकदम रेडी हो चुका है, मैंने एकदम टॉपिंग्स वगैरह सब कुछ लगा दी। अब मैं पेंटिंग नाइफ को यूज करके इसको कट कर लूंगी। एंड अब हम बनाने वाले हैं डोनट। डोनट बनाने के लिए मैंने ब्राउन कलर की सुपर क्ले ली है। उसके बाद सेंटर में एक होल करना है, मैंने ब्रश लिया है होल करने के लिए। एंड गाइस अब मैंने एक डोनट का शेप दिया है कुछ ऐसे सुपर क्ले को, उसके ऊपर से हम ये पिंक कलर की सुपर क्ले लगाएंगे। देख पिज्जा बन गया, डोनट बन गया। अब मैं बनाने वाली हूँ आइसक्रीम, जो सॉफ्टी वाली होती है। हमने पिज्जा भी बना लिया, डोनट भी बना लिया, सॉफ्टी भी बना ली। अब हम बनाने वाले हैं एक बर्गर। अब बर्गर बनाने के लिए हम दो बन बना रहे हैं पहले तो। गाइस गैस करो मैं क्या बना रही हूँ जल्दी से। मैं बना रही हूँ प्यारा सा क्यूट सा एक सन। अब सन बना लिया है तो गाइस चलो रेनबो भी बना लेते हैं। अब मैं एक क्यूट सा टेडी बेयर भी बनाऊंगी। उसके बाद हम येलो कलर की 5 बॉल्स बनाएंगे एंड उनको आपस में इस तरीके से अटैच करते जाएंगे। फिर इसके दोनों एंड्स को आपस में इस तरीके से चिपका देंगे एंड सेंटर में एक दूसरे कलर का सुपर क्ले लगा देंगे एंड हमारा प्यारा सा फ्लावर बन के रेडी हो जाएगा। यार मैंने सारी चीजें बना ली है जो भी मुझे फ्रेम के चारों तरफ चिपकानी है, तो अब एक एक करके इनको फ्रेम के ऊपर लगा लेते हैं। और मैं उसके लिए यूज कर रही हूँ B7000 ग्लू। ये देखो हमारा फ्रेम कितना ज्यादा क्यूट बन गया, मतलब ऐसे सोचा भी नहीं था, उससे भी ज्यादा क्यूट लग रहा है ये बनने के बाद। अब आप लोग चाहे तो इसके अंदर अपना फोटो भी लगा सकते हैं, कोई फैमिली फोटो लगा सकते हैं या फिर कोई पेंटिंग भी लगा सकते हैं। मेरे पास फिलहाल के लिए कुछ नहीं था तो मैंने एक पेपर के ऊपर ये कोट लिख दिया। हम इसको लगाने वाले हैं इस फ्रेम के अंदर। अब हमें ये पेपर को ऐसे लगाना है
फिर हम फ्रेम को प्रेस कर देंगे इसके ऊपर। एंड गाइस अब हमारा फ्रेम एकदम रेडी हो चुका है। मैंने अंदर की तरफ एक कोट लिख के भी लगा दिया था पेपर के ऊपर। एंड यार ये इतना ज्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ही क्यूट लग रहा है, आप लोग खुद ही देख लो कितना प्रिटी लग रहा है। और मतलब मैं इसको ये पीछे का फेंकने ही वाली थी, फेंकते फेंकते मैंने सोचा कि चलो कुछ करके देखते हैं, क्या पता अच्छा बनी जाए। और यार ये सच में बहुत ही क्यूट बन गया। बाकी आप लोग बताना, आप इसके फाइनल शॉट्स देख लेते हैं कुछ। होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो। अभी के लिए मैं चलती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।